इंदुमति, अरे इंदुमति, ये इतना सुंदर चित्र तुमने बनाया है? जी पिताजी। और हमें तो ये भी पता नहीं था कि तुम इतनी बढ़िया चित्रकारी करती हो। मंत्री जी, हम सोच रहे थे हमारे बच्चों में क्या क्या हुनर छुपा है, कई बार हम देख ही नहीं पाते। जी महाराज। ढोलकपुर में अगर एक टैलेंट शो रखा जाए तो हमारे राज्य के बच्चों को अपना हुनर दिखाने और उनके अंदर छिपी कलाओं को बाहर आने का मौका मिलेगा। जी महाराज, क्या मैं भी इस टैलेंट शो में हिस्सा ले सकता हूँ? जी नहीं मंत्री जी, टैलेंट शो सिर्फ बच्चों के लिए होगा। प्यारे बच्चों जल्दी आओ, राजा इंद्र वर्मा का संदेश सुनते जाओ। अपना छुपा टैलेंट बाहर लाओ और पूरे ढोलकपुर को दिखाओ। टैलेंट शो, क्या तुम हिस्सा लोगी? हाँ जरूर। राजू तो जरूर निशानेबाजी दिखाएगा। तुम दोनों आपस में क्या प्लानिंग कर रहे हो? हमने तो तय भी कर लिया है कि हम टैलेंट शो में क्या प्रस्तुत करेंगे। क्या? क्यों बताए, वही देखना। कहाँ चले? तैयारी करने। और मैं क्या करूँगा? भीम, महाराज का तुम्हारे लिए भी संदेश है। वो चाहते हैं कि टैलेंट शो में तुम मुख्य मेहमान बनकर आओ। जरूर। आज तो बुरा फंस गया, रास्ता भूल गया। इतनी देर से चला जा रहा हूँ और भूख भी जोरों से लगी है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी। पर सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगा, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखे नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, वो तो तुम्हें बोलते सुना इसीलिए हैरानी में गिर गया। नाग भी कभी बोलते हैं? इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। तो बदल के दिखाओ। क्या बनूं बताओ? अच्छा तो काला हाथी बन सकते हो। हाथी का सर तो है पर शरीर शेर का। ओ, मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। राजू राजू, सुनो सुनो, मुझसे डरना नहीं, मैं इच्छाधारी नाग हूँ। तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था और कौन गप्पा खाने वाला? पर हमें यहाँ से ढोलकपुर पहुँचने में तो बहुत समय लग जाएगा,
तब तक चाट का स्टॉल बिल्कुल साफ हो चुका होगा। मतलब राजू गोलगप्पे का कोई चाट खाने वाला है? क्या तुम अपने जादू से हमें ढोलकपुर चाट स्टॉल पर पहुंचा सकते हो? पर ये तो चाट स्टॉल नहीं, लड्डू का स्टॉल है। नहीं रुक जाओ। हाँ, मैंने कहा डाल। जल्दी अपने जादू से राजू को गोल गप्पे से वापस राजू बनाओ। मुझे लड्डू ज्यादा अच्छा लगा। शो शुरू करते हैं छुटकी और शिवानी से, जो लेकर आई हैं बहुत ही मुश्किल मटका डांस। सात मटके सर पर रखकर जरूर मटके आपस में चिपका रखे, इसीलिए गिरते नहीं। हाँ, वाह वाह क्या बात है। अब आ रही है राजू जग्गू की जोड़ी। कोई बता सकता है कि वो क्या दिखाने वाले हैं? राजू तो निशाना लगाने में अच्छा है और जग्गू कूद फांद में। क्यों भीम, वो क्या दिखाने वाले हैं मुझे तक नहीं पता। हमें दिखाएंगी छाया कहानी इसी पर्दे पर। सुनो सुनो, बिल्ली का प्यारा बच्चा खो गया है। ने उड़कर ये खबर बाकी जानवरों तक पहुंचाई। कुत्ता बोला, नहीं मैंने तो नहीं देखा। भालू, हिरन, बतख, तेज दौड़ा यहाँ वहाँ। बच्चा एक गड्ढे में गिरा पड़ा था, डर रहा था। उसने देखा और झटपट बिल्ली को बुला लाया। और बिल्ली ने अपने हाथ बढ़ाए और उसे वहां से निकाल लिया। देखा आपने, बच्चे बच्चे में टैलेंट छुपा है, बस उसे बाहर आने की देर है।